अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। जंगल भी यानी तयशुदा प्लांट्स लगे हैं, वैसे वैसे नहीं, कल्टीवेटेड जंगल है वो। 25-30 मिनट का काम बना के दिखा देंगे पहले, फिर अपने को लगेगा मतलब कि अपने को चेंज करना है। वो कब तक बना के दिखाओगे आप? मैम 10 days 20 days। काम कब शुरू करेंगे? तो काम चालू नहीं, स्पीड में और यहाँ पे कुछ इमरजेंसी एग्जिट भी है कि इन केस ज़्यादा पब्लिक है और इमरजेंसी में, तो हमारे कुछ इमरजेंसी द्वार हैं यहाँ पर जो एवैक्यूएट करने के काम में। ये आप ही बना रहे हो? जी, नगर निगम ही इसके ऊपर भी डिज़ाइन हमने किया था। देखना इधर से ही है, आगे से आगे आगे से आगे से जिस ठेकेदार ने किया, संजय कायमा ने किया है शायद, तो उसी को बोलो कंप्लीट करे इसको, है ना, उसी का एक्सटेंड कर दो ना टेंडर। 10-20% तो बढ़ा के तो वो थोड़ा सा पानी अब नीचे उतरा, ग्राउंड लेवल मुझे मिला है। पिचिंग की हुई है, स्टोन पिचिंग है, ग्रेडिएंट में है, ग्रेडिएंट में होगा, स्टोन पिचिंग होगी। और फुटपाथ जो बना रहे पाथवे, वो पिचिंग के बाद बनेगा आखिरी में, नहीं तो खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा हाँ, वो उसके बाद ही क्योंकि व्हीकल आएंगे और उसमें हैवी मटेरियल, उसका बेस हम तैयार। आप हमको एक 25-30 फीट का बना के और ये जाली भी लगा के अपन एक बार देख लें कैसे लग रही है। अच्छा, एक हमारा व्यू पॉइंट वहाँ पर रहेगा, कौन है तालाब के कोने पे जो तिकुन आ जाएगा, तो वहाँ पर एक व्यू पॉइंट हम देंगे, जल्द बोलेंगे एस लाइक सेल्फी फाइल। हालांकि हमारे उसमें स्कोप में नहीं है, लेकिन पर ना वहाँ पे क्या है, ट्रैफिक बहुत रहेगा। नहीं, मैं उसमें रुकना पड़ेगा, मैं रुकना पड़ेगा, एक्सीडेंटल जोन है। मैम रोड पे कैसे दोगे आप? वहाँ कोने पे आएंगे ना, वो कोने पे ही आपको बहुत तेज़ी से, क्योंकि टर्न करके गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से आती है, लोग सेल्फी करने एक बार चल के देखते हैं। 3 feet और अपन ये 12 feet, ये 12 feet ले रहे हैं ताकि उधर से व्यू बना रहे और जो मटेरियल ले पाए। इतना सुंदर वो अपन आप जंगले में बंद कर दोगे पूरे तालाब को, इतने बड़े नहीं मैम, नहीं वो व्यू दिखेगा, अच्छा व्यू अच्छा दिखेगा। ये भी करना है, इसमें स्टोन पिचिंग भी है, ग्राउंड पिचिंग भी है और यहाँ पे रेलिंग लगी। ये वॉल हटेगी ना?
थोड़ा उसको थिएटर सीटिंग कर लेते हैं। काम करने का विजन सही निकल आते हुए ना, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम दें किसी को तो विजन आप दिखाइए, आपका विजन क्या है, अपन बात करते हैं। एक तारीख कर लीजिए उसकी, चलिए ये अंदर जाके आएगा, क्योंकि यहाँ से कोई गाड़ी अंदर नहीं जा रही। क्या है आप सेल्फी पॉइंट बनाओगे, यहाँ ठेले लग जाएंगे सब, लेकिन वो नहीं पूरा बाहर से हम देखेंगे, वहाँ से देखिए ना, यहाँ से लेके ये पूरा जाएगा वहाँ से। आपका है ना पानी का पाइपलाइन वहाँ से आ रहा है, मिल गया क्या यहाँ पे? नहीं मिला। राज्य अपने भगवती सराय का भी निरीक्षण किया है, किस प्रकार का प्रोजेक्ट है और क्या तैयार हो रहा है, कब तक सौगात मिल सकती है बस? ये भगवती सराय भी रीडेंसिफिकेशन के तहत हमने नगर निगम के माध्यम से इसका नवीनीकरण प्रस्तावित है, इसका काम चालू हो गया है, तो उसी का निरीक्षण करने आए थे कि किस तरह से इसका डिसमेंटलिंग हो रहा है और कैसे कब तक ये काम होगा। अभी आपने अधिकारियों से चर्चा किया, आप संतुष्ट हैं, कब तक कार्य पूर्ण होगा? जी काम तो अभी बस शुरू ही हुआ है, अभी डिसमेंटलिंग होने के बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रवचन हॉल बनेगा, कुछ कक्ष बनेंगे जहाँ दर्शनार्थी आते हैं तो वो रह सकते हैं, और उसके अलावा पार्किंग होगी और क्या होगा। राज्य एक महत्वपूर्ण सवाल था, शहर की विभिन्न विरासत की जो धरोहर है और प्राचीन जो बिल्डिंगें हैं और जो इमारत है, तो ये भगवती सराय भी एक बड़ी पुरानी इमारत है, आपने भी बोर्ड देखा, तो ये टूट रही तो क्या कहेंगे? ये रियासतकालीन भवन है मैं मानती हूँ, इसमें तुकोजीराव तृतीय ने पैसा देकर इसको बनवाया था, ये अभी बोर्ड हम पढ़ ही रहे थे, पर ऐसी भवनों का मैं मानती हूँ उनका संरक्षण करना चाहिए, संभालना चाहिए, पर अगर वो जीर्ण शीर्ण हो रहे हैं और उसकी जगह पे आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम फ़ायदा दे सकते हैं, देवास की जनता को एक बेहतर सुविधा दे सकते हैं, तो उसको डिसमेंटल करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। निरीक्षण किया गया है और जो यहाँ पर सत्संग भवन बना उसका भी निरीक्षण किया गया है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? जी आज हम पूरे नगर निगम की टीम के साथ हमने देवी लोक के लिए निरीक्षण किया, टेकड़ी के पायते पे चल के सभी दूर देखा और सभी जो प्लान बन रहा है उसके बारे में डिस्कशन किया, अभी प्रारंभिक डिस्कशन चल रहा है कैसे होगा कहाँ क्या होगा, तो उसके बारे में जानकारी हमने ली भी और देखा भी, और उसके बाद ये प्रवचन हॉल जो नगर निगम बना रहा है इसका निरीक्षण किया, बहुत ही सुंदर 800 लोगों की कैपेसिटी का प्रवचन हॉल बन रहा है जो कथाओं के लिए धार्मिक आयोजनों के लिए समर्पित रहेगा, बहुत ही जल्दी इसको भी बनाकर हम लोकार्पित करेंगे ताकि आम आदमी कम से कम खर्चे में यहाँ पर कथा करवा। किस तरह की रचना रहेगी देवी लोक की, क्या भव्य चीज़ें रहेंगी? अभी उसकी प्रारंभिक प्लानिंग चल रही है इसीलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं बता सकती हूँ, पर हाँ अभी हम सुझाव ले रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं ये केवल हमारा ही नहीं, ये हर देवास के जनमानस का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनके मन स्वरूप बने, तो सभी से सुझाव भी लेंगे, अभी तो टेक्निकल सुझाव लेकर और कैसे बन सकता है कैसे बनना चाहिए उसके ऊपर हमने ध्यान दिया। धन्यवाद।